हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल इलाकों में सेब सीजन रफ्तार पकड़ने लगा है। बागीचों से सेब मंडियों में पहुंचाने का कार्य जोरों पर है, लेकिन कई ग्रामीण संपर्क सड़कों की दशा खराब होने से सेब वाहनों को सेब मंडियों में पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। बरसात के दौरान अधिक बारिश से कच्ची सड़कें खराब हो गई हैं। दलदल के कारण सेब से लदे वाहन कीचड़ में फंस रहे हैं। खासकर ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में सड़कों की दशा ठीक न होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागवानों को भी सड़कों की दशा ठीक न होने के कारण सेब ढुलाई किराया अधिक देना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि सड़कें ठीक न होने से वाहनों को नुकसान हो रहा है, ऐसे में भाड़ा अधिक लेना मजबूरी बन गया है। दलदल अधिक होने से वाहनों को काफी नुकसान हो रहा है और समय भी अधिक लग रहा है। ननखड़ी के खमाड़ी की शिवानी चौहान ने बताया कि यहां पर रोड के बहुत ही बुरे हाल है। सेब सीजन पीक पर आते ही हालात खराब होने वाले हैं। जब बारिश होती है तो सड़कों की हालत और खराब हो जाती है। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सड़कों की दशा सुधारे। मेरा नाम शिवा